हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी सैलड की। इसके लिए आपको चाहिए पनीर, दही, प्याज, टमाटर और खीरा, चाट मसाला अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, नमक। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कर लेंगे इन सबको चॉप। बहुत ही इजी रेसिपी है, इनफैक्ट बहुत क्विक भी है। जैसे बहुत तेज़ भूख लग रही हो जैसे मैं, वो जल्दी जल्दी ये रेसिपी बना के जल्दी जल्दी खा सकता है। आप चाहो आप एक साथ भी कर सकते हो इनको और अलग अलग भी कर सकते हो। इसमें ग्रीन चिली मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज मेरा स्पाइसी खाने का मन नहीं कर रहा। अगर आपका कर रहा होगा स्पाइसी खाने का मन तो आप डाल सकते हो, रेड चिली भी डाल सकते हो, ग्रीन चिली डाल सकते हो, गरम मसाला भी डाल सकते हो। चाट मसाला तो मैं डालूंगी। इसको कर देंगे बंद। सो ये हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे बाउल में। इसमें करेंगे कुकुम्बर, दही एंड पनीर डालेंगे। सबसे पहले कुकुम्बर को छील लेंगे। कर लेंगे स्लाइसेस। इसमें डालेंगे पनीर। अरे तो आप ऐसे भी डाल सकते हो पर मैं स्लाइस करके डाल देती हूँ। अब इसमें डालेंगे दही। इसमें डालेंगे चाट मसाला। सारी चीज़ें इसी में डाल देंगे क्योंकि मिक्स होने में आसानी रहेगी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालना, कहीं कम और ज़्यादा डाल दो फिर बर्फ को बोलोगे एक तो बेकार रेसिपी थी। और प्लीज़ स्पून से नाप लेना, मेरे को तो पता है कि कितना मैं डाल रही हूँ। इसको भी कर लेंगे क्रश। ये खुल जा। तो ये बन चुका है। इसको इसमें डालेंगे।
अब इसको कर लेंगे मिक्स। वैसे इसमें अगर आप बेसन मिला के चीला बनाना चाहो तो चीला भी बना सकते हो, पर मैं इसको ऐसे ही खाने वाली हूँ। सो उसमें आपका प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा आपको चबाना भी नहीं पड़ेगा, फटाफट फटाफट खा सकते हो आप ये इजी सा सैलेड बना के। सो गाइस अब मैं खाने वाली हूँ ये इजी पीजी सा सैलेड, और इतनी इजी रेसिपीज के लिए आप कर सकते हो मेरे को सब्सक्राइब फॉलो, और आती रहूँगी मैं ऐसी फालतू फालतू रेसिपीज लेके आपके लिए। अब मैं इसको खा लेती हूँ, मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख।